नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार से। आज हम बात करेंगे सूर्य का जो चेंज हो रहा है, सूर्य मिथुन जेमिनी में जा रहा है, उसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आपका एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। जो सूर्य राशि परिवर्तन कर रहा है मिथुन में जेमिनी में, यहाँ 3 नंबर में कर रहा है, ये हमारी इंडिया की कुंडली है, तो इसका सबके लग्नों पे क्या असर पड़ेगा। 15 जून को चेंज है, 17 जुलाई तक रहेगा, 32 दिन का चेंज है। और पहले तो जो लोग हमारी वीडियो से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट और मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। और ये हमारे आज तक के इंडिया के प्लानिटरी चेंजेस हैं, और हमारी जो प्रिडिक्शंस होती है लग्न से होती है। फर्स्ट हाउस में देखिए कौन सा प्लैनेट लिखा हुआ है, उसी से आपकी प्रिडिक्शन आप मैच कर सकते हैं। फिफ्थ लिखा है यहाँ पे तो लियो है, सेवन्थ लिखा है तो लिब्रा है, फर्स्ट लिखा है तो एरीज है, तो उसी से हमारी प्रिडिक्शन मैच कीजिए। तो ये चेंज अच्छा है, इसकी हम 3 सीरीज बनाएंगे। आज हम एरीज, मेष से लेकर कैंसर कर्व तक डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियोस अपलोड हो आपको कमेंट आ जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए, आप हमारी वीडियोस देख सकें। ये पॉइंट्स दोस्तों, आज इंसिडेंटली संडे का दिन भी है जब आप वीडियो देखेंगे, और संडे की ही मतलब सन की ही वीडियो, सूर्य की ही वीडियो, बिल्कुल। और आज 3 जून है, सैटरडे, हम एक हफ्ता पहले शूट कर रहे हैं, एक हफ्ता पहले हम शूट कर रहे हैं इसको। तो सूर्य का जब चेंज होगा, सूर्य दोस्तों एक राशि में करीब एक महीने के लिए ठहरता है, 30 से 32 दिन के बीच का टाइम। जैसे अब यहाँ पे आप देखेंगे करीब करीब 32 दिन के लिए एक प्लेसमेंट रहने वाली है। तो जिस दिन सूर्य मूव करता है संक्रांति मनाई जाती है, उस दिन जिस ग्रह में जिस राशि में सूर्य जाता है वो संक्रांति मनाई जाती है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सूर्य जाएगा मिथुन के अंदर, तो दोस्तों ये होगी मिथुन संक्रांति। तो जिस राशि में भी सूर्य की एंट्री होगी, जिस राशि में सूर्य की लैंडिंग होगी, उस राशि के नाम से वो संक्रांति मनाई जाती है, उसको नाम दिया जाता है। दूसरी बात क्या दोस्तों सूर्य की, दोस्तों सूर्य को राजा कहा जाता है। अगर आप सोलर सिस्टम को भी देखेंगे दोस्तों, जितने भी प्लैनेट सूर्य के इर्द गिर्द ही घूमते हैं, उसके आसपास ही घूमते हैं, उसी से ही रोशनी मिलती है बाकी ग्रहों को भी। तो दोस्तों सूर्य को राजा कहा जाता है कि जिसके इर्द गिर्द सारे प्लैनेट अपना काम करते हैं। तो राजा कहने का मतलब दोस्तों लगन भी कहा जाता है, बॉडी कही जाती है, आपकी रेपुटेशन कही जाती है, आपका हार्ट। दोस्तों बिना हार्ट की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, बिना सूर्य की ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो हार्ट, ब्रेन और आपकी बैकबोन, आपका स्केलेटन दोस्तों सूर्य के साथ चलता है। सूर्य को दोस्तों आत्मा कहा जाता है, आत्मा का प्रतीक कहा जाता है। दोस्तों अब बुध की राशि में जाकर, दोस्तों मिथुन राशि है बुध की राशि, यहाँ पर जो सूर्य की लैंडिंग होगी दोस्तों, बुध को कहा जाता है राजकुमार। तो सूर्य होता है राजा, या कह सकते हो पिता। और दोस्तों बुध जो होगा दोस्तों वो होता है राजकुमार, या दोस्तों आप कह सकते हो पुत्र। तो दोस्तों जब भी पिता जाएगा पुत्र के घर, क्योंकि 12 साल के बाद एक राशि में जाता है, और दोस्तों मिथुन राशि में 12 साल के बाद आएगा दोस्तों, हर साल इसी टाइम पे जाएगा। 12 साल के बाद जब एक राशि में जाएगा, अपने बेटे के घर पर जाएगा, राजकुमार से मिलने जाएगा। दोस्तों ऑब्वियसली बात है, घर में खुशियाँ आती है राजकुमार को, यानी कि बेटे को हैप्पीनेस मिलेगी, बेटे के लिए पिता गिफ्ट लेकर जाएगा। और इस खुशी में दोस्तों जो भी लोग मतलब सूर्य से रूल्ड आउट लोग हैं, उनके घर में दोस्तों खुशियाँ आती हैं। जिनकी सूर्य की दशा चल रही है, अगर नेगेटिव है सूर्य तो सूर्य थोड़ा पॉजिटिव बिहेव करेगा, पॉजिटिव है तो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों मिथुन राशि वालों को भी यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज सूर्य अपने मतलब मिथुन राशि के लोग जो सूर्य के कहीं ना कहीं आप बेटा मान के चल सकते हो, पुत्र मान के चल सकते हो, पुत्री मान के चल सकते हो। तो दोस्तों बढ़िया चेंज होने वाला है ये वाला। और अब तक दोस्तों सूर्य था यहाँ पे वृषभ राशि के अंदर, वृषभ राशि में दोस्तों सूर्य था शुक्र की राशि में, जो कि एनिमी राशि है सूर्य की। और सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों कि वृषभ राशि के 10th हाउस में कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप होने से, शनि की मतलब एंट्री होने से, तो केंद्राधिपति दोष यानी कि एक केंद्रीय दोष होता है दोस्तों, कि जो भी ग्रह किसी ग्रह से 10th हाउस पे होगा उसका इफेक्ट उस ग्रह पे पड़ता है जो उससे 4th हाउस पे होगा। यानी कि सूर्य जब तक दोस्तों शनि के 4th हाउस में, तो शनि का इस पर इफेक्ट जाने की वजह से सूर्य के अंदर शनि का भी कहीं ना कहीं प्रकोप आके चल रहा था। तो बेनिफिट है दोस्तों यहाँ पे सूर्य के लिए अच्छा होगा, सूर्य से रूटेड लोगों के लिए अच्छा होगा, जो जिनकी सूर्य की दशा चल रही है उनके लिए भी अच्छा होगा, और जिनकी कुंडली में सूर्य नेगेटिव है, नीच का है, राहु के साथ है सूर्य ग्रहण में, उनको भी यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। चलिए मतलब सबको ही बेनिफिट मिलेगा, काफी हद तक बेनिफिट ये चेंज अच्छा है। चलिए अब हमें पॉइंट्स पढ़ दूं। फ्रॉम जेमिनी द सन एस्पेक्ट सजिटेरियस धनु, जेमिनी मिथुन से सूर्य देखेगा यहाँ पे सजिटेरियस 9 नंबर को, धनु को सबने 7th एस्पेक्ट से। केतु एस्पेक्ट ऑन सन, केतु पे एस्पेक्ट है सूर्य का, वो इंक्रीज करेगा, गर्मी बढ़ाएगा, हीट वेव्स चलेंगी। और मंगल नीच का और केतु का सन, केतु सन एस्पेक्ट रहेगा, तो ये एक्सीडेंट्स और फायर के ज़्यादा एक्सीडेंट्स ज़्यादा बढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा सब अपना।
दोस्तों आज जब हम 3 जून को वीडियो शूट कर रहे हैं, हालांकि आप इसको 11 जून को देखोगे, 8 दिन बाद, 8 दिन बाद आप वीडियो देखोगे। 3 जून यानी कि 2 जून के दिन दोस्तों, आज से एक दिन पहले जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उड़ीसा में बहुत भयानक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि अब तक इंडिया के इतिहास में इतना भयानक ट्रेन एक्सीडेंट नहीं हुआ। 3 ट्रेन आपस में कोलाइड हुई, डिरेलमेंट हुई, तो करीब 250 से 300 लोगों के दोस्तों मरने की आशंका जताई गई है। 900 लोगों के आसपास दोस्तों अब तक जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ कि इसमें लोग घायल हुए। दोस्तों अगर आपको याद होगा, मैंने कल शेयर भी किया था इस पे सोशल मीडिया पे, जब हमने मंगल की वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि मंगल 1 जुलाई तक दोस्तों ये मंगल रेट्रोग्रेड है, मतलब मंगल दोस्तों नीच का रहने वाला है। जब तक दोस्तों मंगल नीच का रहेगा तब तक ट्रेन डिरेलमेंट एक्सीडेंट ये सब बढ़ेंगे। दोस्तों सिमिलरली बात मैंने शनि की जब हमने वीडियो बनाई थी, बकरी जब बनाई थी वीडियो, और मैंने आपको एक बात कही थी कि जो शनि है वो ट्रेन्स को रूल करता है, ट्रैक्स को रूल करता है, तो ट्रेन्स की डिरेलमेंट या ट्रेन्स के जो टाइम टेबल है दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं अफरा तफरी बचने के चांसेस पूरे पूरे हो जाते हैं। दोस्तों कल जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ उसका दोष कहीं ना कहीं दोस्तों जो है दोस्तों टेक्निकल फॉल्ट तो जो है, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें इसमें नीच का मंगल का दोस्तों बहुत बड़ा यहाँ पर रोल आ जाता है। तो जिस तरह से दोस्तों मंगल जब तक नीच का रहेगा तब तक इस तरह के ट्रेन एक्सीडेंट, और अगर आपने देखा दोस्तों कई काफ़ी जगह न्यूज़ भी है कि फायर से रिलेटेड, वाइल्ड फायर इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, कई सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं, इस तरह की खबरें दोस्तों बहुत ज़्यादा आती हैं जब तक मंगल नीच का होता है। तो बाकी जिन लोगों की दोस्तों कल मौत हुई, दुखद मौत हुई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और दोस्तों बाकी आगे जाकर ट्रेन जो है सेफ्टी की तरफ अगर सरकार ध्यान देगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट दोस्तों ये जब मंगल नीच का रहेगा तो प्रॉब्लम बढ़ती है। दूसरी बात करें दोस्तों, अब केतु का सन पे एस्पेक्ट आ गया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 दोस्तों केतु भी चोट होता है, फायर होता है, दोस्तों सूर्य भी चोट होता है, फायर होता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर भी एक्सीडेंट बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। केतु भी गर्म, सूर्य भी गर्म, तो हीट वेव यहाँ से दोस्तों बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी यहाँ से बढ़ जाती है। यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं जिनको पसीने की दिक्कत है, जिनको मतलब आप कहते हो गर्मी ज़्यादा लगती है, नक्सीर फूट जाती है, उनको यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। इरिस्पेक्टिव आपकी क्या राशि है, आपका क्या लगाना, तो गर्मी यहाँ पर दोस्तों बढ़ेगी, तो अपने आपको हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों सूर्य जब होगा 3rd नंबर में, जो कि फ्रेंडली साइन है, इसका दोस्तों एस्पेक्ट जाएगा सेजिटेरियस यानी कि धनु पे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो 7th एस्पेक्ट यहाँ पे गया। तो धनु राशि भी फ्रेंडली साइन, दोस्तों चांस की बात है सूर्य की लैंडिंग फ्रेंडली साइन के अंदर, इसका एस्पेक्ट फ्रेंडली साइन के अंदर, तो सूर्य को पावर ज़्यादा मिल जाएगी। और धनु राशि दोस्तों गुरु की राशि होती है, दोस्तों एक तरफ गुरु अपने पुत्र के घर में गया, राजकुमार के घर में, और एक तरफ जो सूर्य का जो एस्पेक्ट है गुरु के ऊपर, यानी कि जो राज्य गुरु होते हैं दोस्तों, ऋषि कह सकते हो क्योंकि ये गुरु की राशि, तो उसमें धर्म की तरफ भी बढ़ोतरी होती है, धर्म की तरफ रुझान बढ़ता है, लोगों के अंदर दोस्तों धार्मिकता ज़्यादा बढ़ती है, अपने रिलीजन को लेकर सात्विकता ज़्यादा बढ़ती है दोस्तों, और ऐसे में धर्म की यात्राएं ज़्यादा शुरू हो जाती है, अच्छा वाला चेंज है दोस्तों। तो हम वन बाय वन बात करते हैं किसी कुंडली में स्पेसिफिकली क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाले। आ दो जी आप, चलिए 1 नंबर एरी से स्टार्ट करते हैं। इनके लिए कैसा रहेगा, लक का लॉर्ड है, सेल्फ वाले हाउस में आएगा, तो इनके लिए तो अच्छा रहना चाहिए, बेटर होगा इनके लिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए चारों लग्नों का जानने के लिए कि सूर्य का चेंज इनके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों देखिए, अब इससे पहले दोस्तों इसमें हमने एक ना दोस्तों हमने वीडियो बनानी है, मुझे काफ़ी टाइम से डिमांड भी थी, हम लोग उसको टाइम नहीं मिल पा रहा था, कि जो लग्न होता है दोस्तों, जो लग्नेश होता है वो डिफरेंट हाउसेज में रहेगा दोस्तों, उसका क्या इफेक्ट होता है। मान लीजिए लग्नेश आपका 1st हाउस में, तो उसका क्या इफेक्ट है, 9th में तो उसका क्या इफेक्ट है, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज 1st हाउस जो होता है आपका, ये पूरी आपके लाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिनोट करता है, आपकी एज, आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, और इसका रिप्रेजेंटेटिव अगर नेगेटिव हाउस में होगा तो लाइफ पर क्या असर पड़ता है, इसका रिप्रेजेंटेटिव अगर आपका प्लस मतलब पॉजिटिव हाउस में होगा तो इसका असर क्या पड़ता है। जैसे 2 वीडियो हम उसके बनाएंगे, 6 लग्न एक में, 6 लग्न दूसरे में। तो दोस्तों एरीज की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे दोस्तों एरीज जो होती है मंगल की राशि होती है, और दोस्तों सूर्य के एग्जॉल्टेड साइन होता है, यानी कि 1 नंबर दोस्तों सूर्य का एग्जॉल्टेड साइन, मंगल सूर्य का मित्र भी है, तो यानी कि सूर्य को दोस्तों ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे लॉर्डशिप मिलती है। और दोस्तों मंगल को सैनिक कहा जाता है, लड़ाका कहा जाता है, बहादुर कहा जाता है, जवान कहा जाता है, मतलब जवान जो 18-19 साल की एज के जो दोस्तों पूरी पावर के साथ, पूरी जो पॉजिटिविटी के साथ जो लोग होते हैं, तो एरीज वाले लोग दोस्तों हमेशा पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें जुझारूपन बहुत ज़्यादा होता है, फाइटर बहुत होते हैं वो लोग दोस्तों। तो यहाँ पे तो सूर्य जब बनता है 5th का लॉर्ड बनता है, यानी कि दिमाग का लॉर्ड, लक का लॉर्ड, पुत्र का लॉर्ड, बेटे का लॉर्ड, बच्चे का लॉर्ड, आपकी पॉजिटिविटी का लॉर्ड, आपकी राइटिंग, मतलब यहाँ पे सूर्य को जितनी पॉजिटिविटी दोस्तों मिल सकती है मिलती है। धर्म का लॉर्ड आपके दादाजी का भी लॉर्ड बनता है दोस्तों। और दोस्तों सूर्य क्योंकि राजा होता है, तो राजा का मतलब पूरे राज्य का दोस्तों पिता तुल्य व्यक्ति, तो मेच्योरिटी दोस्तों सूर्य के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो जो लोग सूर्य से रूल्ड आउट होते हैं उनके अंदर मेच्योरिटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठंडे दिमाग के होते हैं, हालांकि सूर्य गर्म है लेकिन वो मेच्योर होता है ठंडे दिमाग के। और दोस्तों इसकी प्लेसमेंट आ गई 3rd हाउस के अंदर, दोस्तों ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन, दोस्तों 3rd हाउस करेज को डिनोट करता है, 3rd हाउस दोस्तों यार दोस्तों को, घूमने फिरने को, लग्जरी को, पैसे को, प्लेजर को डिनोट करता है। और यहाँ से दोस्तों क्योंकि सूर्य का इफेक्ट 9th हाउस पर जाएगा, जो कि अगेन धर्म को डिनोट करता है, गुरु की राशि धर्म की ही होती है, तो धार्मिकता यहाँ पर बढ़ती है दोस्तों, ठंडापन आता है, कूलनेस आती है, कहीं ना कहीं आपके अंदर दोस्तों एक काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हो सकता है आप यहाँ पर फील करें कि नहीं पैसा आनी जानी चाहिए, हम
थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान देंगे, हम धार्मिकता पे ध्यान देंगे, सब कुछ ऊपर वाला अच्छा करेगा अपना। तो कई बार आप ऊपर वाले के भरोसे अपनी तार को जोड़ देते हो, आपको पैसे के पीछे भागना कम हो जाता है, सात्विक ग्रह आपका ध्यान जा जाता है, बिकॉज किस्मत आपके साथ है, धार्मिकता आपके साथ है। दोस्तों पुत्र मतलब सूर्य पिता, तो पिता का आशीर्वाद या पिता तुल्य व्यक्ति का आशीर्वाद आपके साथ आ जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों चीज़ें बहुत बेहतर, और क्योंकि यहाँ पर कर्म स्थान भी कहा जाता है, सेल्फ का हाउस कहा जाता है, तो कर्म आप बहुत ज़्यादा करते हो। ऐसे सूर्य का दोस्तों काम क्या है, रोज डूबते हैं फिर रोज निकल जाते हैं, रोज डूबते हैं रोज निकल, करोड़ों साल दोस्तों ऐसे ही हो रहे हैं और अगले सब जिंदगी भर ही चलते रहने वाले। इसी तरीके दोस्तों आप भी कर्म प्रधान लोग होते हैं, अपने कर्मों पर ध्यान दें। बस इतना ध्यान रखना है हमने कि मंगल अभी आपका नीच का चल रहा है, सूर्य आपका पॉजिटिव हो गया, तो हॉट माइंडेड नहीं होना, जोश में रह के होश को नहीं खोना, होश में रह के जोश का काम करना है, जोश में रह के होश का काम नहीं करना, चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली है। और बाकी शनि बकरी की वीडियो में, साप्ताहिक वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको क्या क्या थोड़े से नेगेटिव बताए थे, उनको फॉलो करें। तो बाकी यहाँ पर दोस्तों ये वाला पर्टिकुलर चेंज बहुत अच्छा चेंज होने वाला, भले हम किस्मत की बात करें, धर्म की बात करें, आपके सेल्फ की बात करें, यारों दोस्तों की बात करें, सोसाइटी की बात करें, सबका सपोर्ट आपको मिलेगा, सिबलिंग्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, राइटिंग स्किल्स बढ़ेंगे, स्पीकिंग स्किल्स आपके यहाँ बढ़ने वाले हैं, मतलब पॉजिटिविटी इन ऑल रिस्पेक्ट्स। चलिए एरीज मेष का तो हो गया, अब हम आते हैं सेकंड नंबर टॉरस वृषभ शुक्र की पहली राशि। प्रॉपर्टी एसेट्स का लॉर्ड है, नौकर चाकर का लॉर्ड है और ये आएगा वेल्थ वाले हाउस में, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा रहना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, मुश्किलों को दूर करना अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो मैं कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए, ईयरली रिपोर्ट के लिए कि आने वाला आपका टाइम कैसा है। ये तो है जनरल, बाकी आपकी अपनी कुंडली और दशा मैटर करती है कि आने वाला टाइम आपका कैसा है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉरस वृषभ। तो टॉरस है शुक्र की राशि, वो तो शुक्र को कहा गया और लक्ष्मी जी का रूप कहा गया, पैसे के लिए कहा गया, और दोस्तों सूर्य तो होता ही राजा है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियस ही बात है पैसे की कुंडली के अंदर सूर्य को लॉर्डशिप मिली फोर्थ हाउस की, इसको प्रॉपर्टी कहा गया, जमीन जायदाद कहा गया। दोस्तों किसी भी कुंडली के अंदर, एक जनरल बात बता रहा हूँ, किसी भी कुंडली के अंदर फोर्थ हाउस और उसका लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज फोर्थ हाउस मन को डिनोट करता है। दोस्तों आपका भले कितना मर्जी पैसा हो, भले आपको जितनी मर्जी शान और शौकत हो, लेकिन अगर आपका मन खराब होगा, मन बुझा बुझा होगा, मन में सैडनेस होगी, मन में कहने की उदासी होगी, तो पैसा सब बेकार हो जाता है। दोस्तों फोर्थ हाउस का लॉर्ड पर जरूर नजर मारिए, अगर आपका सब कुछ आपके पास लेकिन फोर्थ हाउस में शनि है, राहु है, सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, तो कभी आप खुश रह नहीं पाते, आप हमेशा कुछ ना कुछ आपका उदासी लगी रहती है, सब पैसा नौकर चाकर सब पैसा बेकार हो जाता है आपके लिए, बिकॉज फोर्थ हाउस दोस्तों मन को डिनोट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों सूर्य बनते हैं मन का लॉर्ड, यानी कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड, और अब क्योंकि सूर्य दोस्तों सेकंड हाउस में आ गया, ग्रहण से बाहर आ चुके हैं, पॉजिटिव हो चुके हैं, फ्रेंडली साइन में आ गए, तो मन के अंदर दोस्तों खुशी आती है। यहाँ पे दोस्तों बाकी सभी चीज़ें गौण हो जाती हैं, बाकी सभी चीज़ें नीचे चली जाती हैं, अगर मन में प्रसन्नता हो। दोस्तों आप कई जगह आप देखते होंगे, अगर रोड से आप निकले कहीं झुग्गी झोपड़ी होती है दोस्तों, तो वहाँ पे बच्चे नाच रहे हैं कूद रहे हैं, दोस्तों पैसा नहीं है उनके पास, बेसिक अमेनिटीज़ नहीं है, तब भी नाच रहे हैं कूद रहे हैं डांस कर रहे हैं टीवी देख रहे हैं बैठ के, और मन में खुशी है, पैसा नहीं है। लेकिन कई बार दोस्तों अमीर से अमीर आदमी भी, पैसा भी होगा लेकिन खुशियाँ नहीं होती, मन बुझा होता है दोस्तों, वही चीज़ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मन के अंदर खुशी भी आ जाएगी, प्रॉपर्टी वेल्थ यहाँ पे बढ़ने के पूरे पूरे योग बन जाते हैं। दोस्तों सूर्य क्योंकि राजा है, ज़मीन को डिनोट करता है, ये सेकंड हाउस दोस्तों वेल्थ को होते हैं, तो ज़मीन जायदाद बेच के पैसा अच्छा आता है, प्रॉफिट में ज़मीन बिक जाती है, या अगर आपने नई ज़मीन लेनी हो, नया घर लेना हो, तो अच्छा घर मिल जाता है, बड़ा घर मिल जाता है, खुला घर मिल जाता है, वास्तु दोष से मुक्त घर मिल जाता है यहाँ पे। तो अच्छा वाला चेंज, बहुत बेटर चेंज। और सेकंड का सूर्य जब दोस्तों एट्थ हाउस को देखेगा, जब अपने फ्रेंडली साइन को यहाँ पे देखेगा, तो यहाँ पे दोस्तों एज, जिनको जो हॉस्पिटलाइज थे, जिनकी एज पे दिक्कत आ रही थी, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इलाज ऐसा मिल जाता है, कोई इंजेक्शन ऐसा आ जाता है, कोई दवाई ऐसी आती है, कोई एंटीबायोटिक ऐसी आती है, जो आपको कहने के खड़े होने में मदद कर देती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो तो सूर्य क्योंकि सात्विक प्लैनेट है, आंखें खोलने वाला प्लैनेट है, एट्स और दोस्तों मिस्टेक का होता है, तो वो सब जो धर्म के तरफ है, स्पिरिचुअलिटी में है, वो सभी लोग जो सब लोग जो हमारी जैसे दोस्तों फील्ड के अंदर, उनकी यहाँ पे दोस्तों आंखें खुलती हैं, उनको ज़्यादा पावर मिल जाती है, उनको आगने वाली चीज़ों घटना आपका मतलब पहले पूर्वाभास हो जाता है दोस्तों। तो ये एक अच्छा वाला चेंज इनके लिए दोस्तों, हर लिहाज से बढ़िया चेंज होने वाला है। अभी 24 को जब बुध का भी चेंज होगा, बुध भी इनके सेकंड हाउस में आ जाएगा, तो इससे अगला वाला चेंज और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम टॉरस वृषभ का भी, अच्छा हो गया आप बता रहे हैं इनके लिए बहुत अच्छा। अब हम आते हैं थर्ड नंबर जेमिनाई मिथुन, ये चेंज ही यहीं पर हो रहा है, सेल्फ का लॉर्ड है और फर्स्ट में आएगा, तो इनके लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सेठी से, और वीडियो के अंत तक बने रहिए बाकी का दोनों लग्नों का जानने के लिए। दोस्तों किसी भी कुंडली के अंदर थर्ड हाउस को हम लोग दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, ऐसा देखा गया है, बट थर्ड हाउस दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों थर्ड हाउस डिनोट करता है आपके बाहुबल को, आपकी पावर को, आपकी करेज को, आपकी पॉजिटिविटी को, आपकी स्पीकिंग को, आपके ईयर को, सुनने की क्षमता। दोस्तों कहीं सुनने की क्षमता होती नहीं है,
लोग अच्छे स्पीकर तो होते हैं लेकिन अच्छे श्रोता नहीं बन पाते, सुन नहीं पाते, अच्छे लिसनर नहीं होते, वो थर्ड हाउस डिसाइड करता है दोस्तों। यहाँ पे सूर्य बंदा जो थर्ड यानी कि सेल्फ का लॉर्ड, बाहुबल का लॉर्ड, और सूर्य क्योंकि गर्म प्लैनेट है, राजा, तो ऐसे लोग दोस्तों सूर्य इनके लिए बहुत कहीं ना कहीं दोस्तों पावर का प्लैनेट बनकर चलता है, पॉजिटिव एनर्जी का प्लैनेट बनकर चलता है। कुंडली में वीक होगा तो एनर्जी लेवल कम हो जाता है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कुंडली में सूर्य स्ट्रांग होगा, एग्जॉल्टेड होगा, अच्छे केंद्र में होगा, त्रिकोण के अंदर होगा दोस्तों, ऐसे में क्या होता है पावर बढ़ जाती है, आपकी कॉन्फिडेंस स्टॉप हाई लेवल हो जाता है। अपने कॉन्फिडेंस से आप बड़े से बड़े दोस्तों कार्य को कर पाते हो, अपने कॉन्फिडेंस से आप दूसरों को मुसीबत से निकाल लेते हो, डिसिप्लिन लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दोस्तों अपने यहाँ पे सूर्य ही फर्स्ट हाउस में गया तो अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पावर, अपनी पॉजिटिविटी, अपनी इम्यूनिटी सब कुछ आपके साथ लेकर आएगा, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता। दोस्तों केतु का भी इम्पैक्ट है, तो ऐसे में दोस्तों जो लोग जिनका काम सारा बोलने का है, वकील हैं वो सभी लोग, जो दोस्तों स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आरजेज हैं, मीडिया के अंदर हैं, हमारे जैसे लोग हैं दोस्तों वकालत के अंदर हैं, प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, गुरु हैं, स्पिरिचुअल हीलर हैं, दोस्तों उनके लिए बहुत बड़ा चेंज। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल्फ जो हाउस होता है दोस्तों वो आपकी पूरी बॉडी, आपकी पूरी लाइफ को कहीं ना कहीं डिनोट करके चलता है, और सूर्य का यहाँ पे आना, पॉजिटिव सूर्य का यहाँ पे आना चीज़ों को बेहतर करेगा। और इसका सेवंथ में दोस्तों जो एस्पेक्ट जाएगा फ्रेंडली साइन पे एस्पेक्ट जाएगा, पार्टनर के बीच में अच्छी कंपैटिबिलिटी, बिजनेस पार्टनर में अच्छी कंपैटिबिलिटी, काम काज में बढ़ोतरी यहाँ पे, तो चीज़ें बेहतर होंगी। जिनको फेस पे कोई दिक्कत चल रही थी, फेस पे ब्लैकिश कुछ डॉट्स आ रहे थे, स्पॉट्स पड़ रहे थे, उनको यहाँ पर छुटकारा मिलेगा, हेयर क्वालिटी बेटर होगी, सब कुछ अच्छा होगा यहाँ पे। बस इस पावर को, इस एनर्जी को चैनलाइज करना हम लोगों ने, क्योंकि केतु इन्वॉल्व है, तो एवर क्या होता है आपके मुंह से कुछ गलत बात निकल, स्पष्ट बात ज़्यादा आ जाती है, डिप्लोमेटिक थोड़ा होना पड़ेगा हमें यहाँ पे, बट उसके अलावा दोस्तों चीज़ें बहुत बेहतर। और अभी जब 24 तारीख को बुध भी यहाँ पे मूव करके आ जाएगा तो दोस्तों क्या नहीं क्या, फिर तो बल्ले बल्ले। चलिए, मतलब जेमिनी वालों के लिए अच्छा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस थोड़ा अलर्ट होकर अलर्ट रहना है, डिप्लोमेटिक रहना है। चलिए, फोन नंबर कैंसर कर्क वेल्थ का लॉर्ड है और एक्सपेंसेस वाले हाउस में आएगा, तो इनके लिए कैसा रहेगा दोस्तों? जहाँ पे सूर्य राजा होता है, बुध मैंने आपको बताया राजकुमार होता है दोस्तों, वहीं पर दोस्तों चंद्रमा को रानी कहा जाता है, यानी कि सूर्य की वाइफ। तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, जब 12 साल के बाद जो पिता है अपने पुत्र से मिलेगा, यानी कि रानी के बेटे से मिलेगा, तो रानी को भी खुशी होगी, मतलब कि कर्क लगन वालों के लिए भी दोस्तों यहाँ पे बेटरमेंट ही होने वाली है। दोस्तों इसी वजह से देखिए, अगर आप देखेंगे सूर्य को जो लॉर्डशिप दी गई है, वेल्थ की लॉर्डशिप दी गई है, सेकंड परिवार की लॉर्डशिप दी गई है, तो कर्क लगन के अंदर दोस्तों इरिस्पेक्टिव वो आपकी कुंडली है, किसी की भी कुंडली है, तो वहाँ पे सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाता है। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है राजा है, मतलब कहीं राजा का एक रूप बन के चलता है, तो वेल्थ इनके पास तकरीबन रहती ही है दोस्तों कर्क लगन वालों के पास। और मैं बार बार आपको एग्जाम्पल देता हूँ, चाहे पंडित नेहरू चाहे इंदिरा गांधी जी हो, उनकी कुंडली में दोस्तों कर्क लगन, जो सूर्य दोनों कुंडली में दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों वेल्थ का लॉर्ड एक्सपेंसेस वाले, मतलब पैसा तो आएगा ही आएगा दोस्तों, यहाँ पैसा बेतहाशा आएगा, लेकिन साथ में दोस्तों एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। बट क्योंकि सूर्य के इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिव सूर्य के इन्वॉल्वमेंट है, पॉजिटिव राशि के इन्वॉल्वमेंट है, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं है दोस्तों, खर्चे जो होंगे पॉजिटिव खर्चे होंगे। खर्चे कैसे होंगे दोस्तों? घूमने फिरने में चले गए आप दोस्तों। सूर्य बड़ा प्लैनेट है, चंद्रमा लग्जरी को डिनोट करता है, तो लग्जरी आइटम पे आपने ज्वेलरी परचेज कर ली, आपने कुछ ना कुछ वाइफ को आपने गोल्ड का सेट दे दिया, डायमंड का आपने सेट दे दिया, घर ले लिया आपने, गाड़ी ले ली, मतलब बेसिकली इसमें दोस्तों चंद्रमा जो है ट्रैवलिंग के लिए, तो ट्रैवलिंग का खर्चा ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। आप खुशी के लिए दुबई चले गए घूमने, यूएस चले गए, स्विट्जरलैंड चले गए, बेसिकली यहाँ पे खर्चा बढ़ेगा, लेकिन अच्छे काम पे खर्चा बढ़ेगा। तो जो काम पे खर्चा बढ़ेगा दोस्तों आपको करके कहीं दुख नहीं होगा, तो इसकी वेट करेंगे। हाँ, बाकी है कि थोड़े एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सूर्य कई बार लीगल को डिनोट करता है, लेकिन मैंने बताया कि खर्चे अच्छे होंगे। तो मान लीजिए आपको एक केस चल रहा था, उस केस की आखिरी डेट आ गई और कुछ लास्ट पेमेंट देनी थी, आपने लास्ट इंस्टॉलमेंट देनी थी, वो आपने पेमेंट करी, केस खत्म हुआ, वो सर पर जो लीगल केस का बोझ था, वो बोझ खत्म होने से आपको जान छूटी, मतलब खर्चा तो नेगेटिव है लेकिन देगा आपको रिलीफ है जाके। दोस्तों यहाँ पे खर्चा पॉजिटिव, बस जिस दिन दोस्तों मंगल 1 जुलाई को ठीक होकर आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा, आपके फर्स्ट हाउस को वैकेट करके, तो जुलाई से जो टाइम होगा ड्रीम टाइम हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है दोस्तों, शनि जब तक वक्री हो चुका होगा आपके 8th हाउस के अंदर, उसकी अलग से नेगेटिविटी उन्होंने शेयर की थी। बट ओवरऑल मैं बात करूँ दोस्तों कैंसर वालों के लिए भी ये वाला चेंज जो एरिस के लिए बड़ा अच्छा, टॉरस के लिए बहुत अच्छा, जेमिनी के लिए अच्छा, कैंसर के लिए भी अच्छा, बस इनको दोस्तों खर्चे बढ़ेंगे, घबराना नहीं है, अच्छे वाले खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे साथ में वेल्थ भी आएगी, पैसा आएगा उसी को ही आप खर्च करो, अपने कर्जा के खर्चे नहीं बढ़ाने यहाँ पे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। चारों लग्नों की बातें हो गई कि सूर्य का चेंज इनके लिए कैसा रहेगा, बाकी तो आपकी अपनी कुंडली दशा मैटर करती है कि आपके लिए चेंज कैसा है, और बाकी की 2 सीरीज में हम बाकी के लग्न डिस्कस करेंगे, सेकंड में और थर्ड में, और थर्ड में हम रेमेडीज बताएंगे हमेशा के लिए, हमेशा की तरह। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो पर। बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद, जय भारत।